हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सलोजिया एंड एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 9th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट से निकले हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि बच्चों ने मुझे भेजे हैं आरडी शर्मा के एमसीक्यू सीरीज वाली बुक से। तो देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से वो सॉल्व किए जाएंगे। मैंने कोई 5 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए हैं और बाकी क्वेश्चंस का जवाब मैं उन्हें व्हाट्सएप पर ही दे दूंगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिंक पर मेरा जो है आपको नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप भेज सकते हैं, उनका रिप्लाई भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए, चेंज करना है वाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। 1/3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 1/3 के ऊपर बार लगा हुआ है। सिंपली सबसे पहले आपको करना ये है, इस 1 को थोड़ा सा अलग रख लेना है भाई। क्या कर लेना है, इस 1 को कुछ इस तरीके से लिख लेना है, 1+0.33333 इस तरीके से लिख लेना है। यानी इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ, इसे 1 लिख सकता हूँ। लेट इतने वाले पार्ट को मैंने किया लेट x इज इक्व टू 0.333 कुछ इस तरीके से लिख लिया। ओके, यहाँ पर क्या किया, मुझे इस पॉइंट को एक टर्म के बाद पहुँचाना है, तो मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3.333 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको तो आपने x मान लिया था, क्या इसको तो आपने x मान लिया था, तो ये हो गया 3.x हो गया, यानी कि 3+x हो जाएगा। 3.3 यानी कि 3+x है। ओके, तो ये x हो जाएगा। जब ये x होगा आप इसे इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 3। x की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो 3/9 यानी कि 1/3, तो x इज इक्वल टू आपको 1/3 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ पूरा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब आपको करना ये है कि जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें वैल्यू रख देनी है 1+3/9 यानी कि 1/9। अब 1/3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और यहाँ पर 4/3, तो यही आपका आंसर है भाई। 4/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा, मैंने एक और आपको ट्रिक बताई थी इसके लिए भाई, सिंपल सा। आप मेरे हर एक शब्द पर जाइए और उन शब्दों को ठीक से सुना करिए, क्योंकि वीडियो 20-30 मिनट की होती है। अगर 1.5 घंटे की वीडियो लगा दी तो आप बोर हो जाओगे, वो काम मत करिए। आप इस चीज़ को देखिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, बताया क्या जा रहा है आपको। जब आपको ठीक से बताया जाए उसको फॉरवर्ड करिए अपने माइंड में और माइंड के कैलकुलेशन को फिर दोहराइए, तब जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप देखेंगे इसमें तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या कि जहाँ पर भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल मिल जाए, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए, तो आपको करना ये है जितने नंबरों पर बार लगा है उन नंबरों को काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद उनके नीचे उतने ही 9 के नंबर बना दीजिए, आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 1+3 के ऊपर, केवल 3 के ऊपर बार लगा था, क्या केवल 3 के ऊपर बार लगा था, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3/9 यानी कि 1/3, तो आपका आंसर आया 4/3। एक ही हो गया भाई, एक ही झटके में। आपको एमसीक्यू करने की आदत तो ऐसे डाल लीजिए, सेकंडों में एमसीक्यू सेकंडों में आने चाहिए, 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, इतना फास्ट करूंगा। अगर आप कहेंगे तो सॉल्व कर दूंगा भाई, दोनों तरीके से करते हैं। देखिए दोनों तरीके से करते हैं, पहले शॉर्ट से ले लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 0.0001 के ऊपर बार, यानी सेकंड क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके ऊपर बार लगा है। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/1, 2, 3 आंसर हो गया, 1/1, 2, 3 आंसर। कैसे, अब तुम ये कहो ये कैसे कर दिया भैया, ये तो बहुत ही फास्ट कर दिया। देखो एमसीक्यू है, सेकंडों में आंसर आने चाहिए, सेकंडों में। वो इस वजह से कि मैंने बताया था आपको, जिसके ऊपर बार लगा है बार हटाइए, उसके नीचे क्या लगा दीजिए, 999। 1, 2, 3 टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 3, 9 आपके डिनोमिनेटर में लगा दिए, 1 के अपॉन, यानी इसी नंबर के अपॉन में, इसी नंबर के अपॉन में बार को हटा दीजिए और उसी नंबर के अपॉन में 999 लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप उसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए x इज इक्व टू 0.001001001 इसी तरीके से चलता जा रहा है। यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नंबर उधर पहुंच जाएगा, यानी 0.001001001 कुछ इस तरीके से चला जाएगा। और इस वाली बात को तो आपने x कह दिया था, ये हो गया, ये कह दिया था आपने x, क्या 1+x, और जब मैं x को इधर लूंगा तो 999 और यहां पर हो गया आपका 1, x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/999 ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने इसे करा दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है भैया, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है, 9 के ऊपर बार। अब भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहे आप पे, अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे भाई? यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना है सिंपल सा भाई, सिंपल सा। आप इस वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे, देखिए 0.9 है ये, तो 9/9 क्या, 9/9 एक ही नंबर है, एक ही 9 आएगा, 9 से 9 तो आपका 1 आ गया आंसर। क्या आएगा? 1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, 2.36 बार ओके प्लस 2.23 बार, 2-3 बार, यानी ये क्वेश्चन अच्छा भाई, इसे कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना ये है, दो नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा 236/99। क्या 2-3 प्लस सही है क्या? नहीं सर, गलत है, ये गलत है, तो सही कैसे होगा? देखिए इसे ऐसे लिखा जाएगा, 2+36/99 ये अब सही है, प्लस यहां पर लिखा जाएगा 2-3/99। क्या 2-3/99, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर है। मैंने कैसे किया ये एक बार बता दे रहा हूं, 2 ये बाहर लिखा है और यहां पर प्लस है, तो प्लस में जुड़ा हुआ है यानी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आप लगाएंगे 36/99 ओके। यहां पर देखेंगे 23 के ऊपर बार लगा है, 23/99। अब इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। फ्रैक्शन सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप कहेंगे कि इसे बता दीजिए तो आपको यहीं से घूंसा फेंक के मारूंगा मैं, वो नहीं होना चाहिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल, आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि 1.242424 यानी कि आपको इसी तरीके से रिपीट हो रहा है। जब आपके पास 1.2424 आ रहा है तो प्लस 24/99 भाई कितनी बार बताया जाए, और ये 99 यहाँ लिखेंगे, 24 यहाँ लिखेंगे, 99 आपका आंसर हो गया, यानी कि 3 ये हो जाएगा आपका, 3 हासिल लगी 1 और यहाँ 12/99 तो ये है आपका आंसर, यानी कि सारे नंबर मैंने अपने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो जो क्वायरीज मुझे मिली थी आज वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। कल आपको जो कराया जाएगा वो रहेगा आपका सेकेंड चैप्टर 9th क्लास का, और उस 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन सीरीज की ओर चलेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि NCERT की सीरीज दे दीजिए तो 9th क्लास के NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। आज केवल मैंने क्वेरीज ली थी बच्चों की, तो वो मैंने सॉल्व करके आपको दे दी हैं, ठीक है। तो अगर आज जो है आपका कोई भी डाउट होता है आज इन क्वेश्चनों को लेकर, या आपके कोई क्वेश्चन हैं जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से हैं, 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट से हैं, तो आप मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो इस पर मुझे भेजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा।